दोस्तों, अगर आप भी खुद का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर किसी भी रीजन से आपको पैसे की ज़रूरत है और आप लोन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आज आपको एक ऐसा प्रोसेस हम बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आपको मात्र 2 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अपने घर बैठे अपने मोबाइल से, या आप ऑनलाइन लोन अप्लाई कर सकते हैं और आपको यहाँ पे लोन मिलने वाला है। तो आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है और सब कुछ इस वीडियो को कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं। तो अगर आप भी लोन अप्लाई करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कोई भी रीजन है, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा। और वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना। जैसे प्ले स्टोर ओपन करिएगा, आपको यहाँ पर टाइप करना होगा क्विक, यहाँ पे लिखिएगा QUICK क्विक, यहाँ पे SBI, ठीक है। आपको क्विक SBI लिख के सर्च कर देना है। जैसे आप इतना लिख के सर्च करिएगा, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये जो ऐप है इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप पहले से इंस्टॉल किए हुए तो इंस्टॉल अपडेट कर लीजिएगा, नहीं तो इस ऐप को, ये जो ऐप है आपको यहाँ पर ऐप देखने को मिलता है SBI क्विक, आपको इस वाला ऑप्शन से ओपन कर लेना है। अब ये मत सोचिएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो जिनका अकाउंट होगा उन्हीं को मिलेगा, यहाँ पर सबको लोन मिलने वाला है। तो आपको इस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। जैसे इसको ओपन कर लीजिएगा तो हो सकता है कुछ अलाउ करने का ऑप्शन देखने को मिले, तो आपको जो भी अलाउ करने का ऑप्शन मिलेगा तो आपको अलाउ कर देना है। अगर आप पहली बार लॉगिन होइएगा तो हो सकता है कुछ अलाउ करने का ऑप्शन देखने को मिले तो आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, वेट करने के बाद देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है विदाउट लॉगिन, यहाँ पर लॉगिन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर आपके पास SBI का अकाउंट है तो पहले तो आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास SBI का अकाउंट है तो, अगर अकाउंट नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, विदाउट लॉगिन का जो ऑप्शन दिया हुआ है विदाउट लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा लोन्स का एक ऑप्शन, आपको लोन्स वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोन्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप लोन किस तरह का लेना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ आपको देखने को मिलता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, SME लोन और अप्लाई फॉर लोन, ठीक है। अब आप किस तरीके का लोन लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपको पर्सनल लोन वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन जो भी आप लेना चाहते हैं उसी को सेलेक्ट करिएगा। तो हम एक चलिए बात कर लेते हैं, अगर पर्सनल लोन लेना है तो पर्सनल लोन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने देखिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फीचर्स, आपको फीचर्स वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे फीचर्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, वेट करिएगा, देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। और यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ देखिएगा फीचर्स, एलिजिबिलिटी, टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब ये 3 स्टेप में कंप्लीट होने वाला है। और यहाँ आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, नीचे आप आइएगा तो फीचर से देखने को मिलता है लोन अप टू 30 लाख रुपए तक आपको लोन मिलने वाला है। लो इंटरेस्ट रेट है, आपको कोई इंटरेस्ट रेट, बहुत कम इंटरेस्ट लगने वाला है। इंटरेस्ट ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस, लो प्रोसेसिंग चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज भी इसका बहुत कम है। मिनिमम डॉक्यूमेंट लगेगा, ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। 0 हिडन कॉस्ट, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो आपको यहाँ पे प्रोविजन फॉर सेकेंड लोन, नो सिक्योरिटी, नो गारंटर, मतलब आपको नो गारंटर, किसी गारंटर की ज़रूरत नहीं है और आपको किसी भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप बात कर लिए, अब यहाँ फीचर्स की बात कर लिए, अब यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट भी आपको देखना है तो आपको इंटरेस्ट रेट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे भी इंटरेस्ट रेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इंटरेस्ट रेट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पर पढ़ देख लेना है जिस तरीके से आप लोन लेना चाहते हैं, कितने ईयर का है, कितना है, क्या है, वो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देख लेना है अपने अकॉर्डिंग, आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखने को मिलता है SBI पेंशन लोन, इस यहाँ पे देखिएगा आपको बहुत सारा लोन दिया हुआ है और सबका इंटरेस्ट यहाँ पे बताया गया है। तो आपको यहाँ पे देख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फीचर्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर से फीचर्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और नीचे आना है। नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन, आपको अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो देखिएगा आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा लोन पर्पज, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे 3 स्टेप में कंप्लीट होगा, देख सकते हैं। पहला गेट एलिजिबिलिटी, आपका एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको लोन ऑफर किया जाएगा, उसके बाद लोन जितना ऑफर किया जाएगा, जैसे मान लीजिए आप अगर अपना एलिजिबिलिटी चेक करते हैं उसके बाद आपको लोन ऑफर किया जाएगा कि आपको 1 लाख मिलेगा, 2 लाख मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, 10 लाख मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आप वहाँ पर सबमिट करिएगा डॉक्यूमेंट लगा के, यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट अप्लीकेशन हो जाएगा और आपको पैसा मिल जाएगा, मतलब 3 स्टेप में यह कंप्लीट होने वाला है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर्पज ऑफ लोन लिखा हुआ है तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको देखने को मिलता है SBI लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पर पर्सनल लोन, तो आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं इसको सेलेक्ट करिएगा। अब यहाँ पर देखने को मिलता है रिलेशनशिप विथ
बैंक। इस बैंक अगर आपका अकाउंट SBI बैंक में है तो आपको यस कर देना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप यस करिएगा, अगर अकाउंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइप ऑफ रिलेशनशिप पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपका है तो कैसे अप्लाई करना है, अगर आपका अकाउंट नहीं है SBI में तो कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो आपको यहाँ पर टाइप ऑफ रिलेशनशिप पे क्लिक करना है, अगर आपका क्रेडिट लोन, सैलरी लोन, यहाँ पे आप डिपॉजिट, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। अगर नॉर्मल अकाउंट है तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, अपना अकाउंट नंबर टाइप करना है, मोबाइल नंबर टाइप करना है, चेकबॉक्स पर क्लिक करना, सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि अगर आपका अकाउंट अच्छे से आप यूज किए होंगे तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ आपको देखने को मिलता है अगर आपका अकाउंट नहीं है SBI में तो आपको नो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, यहाँ पर रेजिडेंट टाइप को सेलेक्ट करना है, अब यहाँ पर रेजिडेंट इंडियन सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको देखने को मिलता है इनकम डिटेल, ठीक है, नीचे आप देखिएगा तो यहाँ आपको देखने को मिलता है इनकम डिटेल, एम्प्लॉयमेंट नेचर, आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर आप परमानेंट है क्या है वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन टाइप आपको सेलेक्ट करना है कि किस कंपनी में कहाँ जॉब करते हैं, आपका जॉब को लेके आपके यहाँ पर पूछा गया तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचर जो भी आपका रहेगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जब सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट करने के बाद देखिएगा आपको यहाँ पर एम्प्लॉयर नेम, आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको नाम टाइप करना होगा। वर्किंग करेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपको कितने साल से कितने साल का कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। इस तरीके से आप सेलेक्ट करिएगा, आपकी ग्रॉस मंथली सैलरी कितनी है, नेट मंथली सैलरी कितनी है, रे ऑफ लास्ट सिक्स मंथ सैलरी कितनी है वो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। एग्जिस्टिंग EMI आपको कितना पे कर सकते हैं मंथली, आपको वो टाइप कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर रिटायरमेंट एज, आपका जो एज है रिटायरमेंट का वो कितना है अभी, तो आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जहाँ आप जॉब करते हैं वो 50-60 साल जो भी रहेगा वो आपको चेक करना होगा। यहाँ पे चेक ऑफ का सिलेक्ट चेक ऑफ वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, फुल चेक ऑफ, पार्टी, नो चेक ऑफ, जो आपको सिलेक्ट करना कर लीजिएगा। इज योर सैलरी अकाउंट ओपन अंडर सैलरी पैकेज, तो आप यस करिएगा, अगर पैकेज पर है तो यस करिएगा, अगर आप कोऑपरेटिव बैंक है तो आपको यस कर देना, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आने को मिलता है पर्सनल एंड आइडेंटिटी डिटेल, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम अपना टाइप करिएगा, जिसके नाम पे लोन लेना है उन्हीं का डिटेल फिलअप करिएगा, जेंडर को सिलेक्ट करिएगा, करेंट एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देना है, उनका लैंडमार्क जो भी रहेगा सिलेक्ट कर टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद उनका स्टेट सेलेक्ट करिएगा, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद सिटी को सिलेक्ट करना है, उनके एरिया का पिन कोड सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है पिन नंबर, अपना पिन नंबर यहाँ पर टाइप करेगा, चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है। डू यू हैव आधार, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आधार आइडेंटिटी प्रूफ का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर पैन कार्ड आपको अपलोड कर देना होगा, सॉरी पैन कार्ड नंबर टाइप कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट ID प्रूफ का ऑप्शन दिया हुआ, इस पर सिलेक्ट करना है। वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जो भी आपके पास उपलब्ध रहेगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर टाइप कर देना है, रिक्वेस्ट लोन अमाउंट आप कितना लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, अपने स्टेट को सेलेक्ट करना है, वर्क प्लेस डिटेल आप कहाँ पे जॉब करते हैं वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल ID। इसके बाद यहाँ आपको देखने को मिलता है आइडेंटिफाई योर सेल्फ कैप्चा कोड यहाँ पर टाइप करना है, ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है कैप्चा कोड यहाँ पर बॉक्स पर फिलअप कर टाइप कर देना, चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और गेट लोन क्यूट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना, तो आपको एलिजिबल रहे हैं कि नहीं है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितना आप लोन के लिए एलिजिबल हैं, लोन यहाँ पे ऑफर कर देगा। इसके बाद वहाँ से जैसे आप फाइनल सबमिट करिएगा, जैसे कि अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा के जैसे सबमिट करिएगा तो आपका कंप्लीट सबमिट हो जाएगा और आपके अकाउंट पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या है कि आपके बैंक वाले जो रहेंगे, जो बैंक आप सेलेक्ट किए रहिएगा, नेक्स्ट प्रोसेस जो रहेगा अभी उसमें आपको बैंक को भी सेलेक्ट करना होगा कि आप कहाँ से लोन लेना चाहते हैं अपने, तो वहाँ आपको बैंक भी देखने को मिलेगा। तो बैंक वाले आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, नहीं तो आपको जो अप्लीकेशन नंबर मिलेगा उसको आपको लेके बैंक चले जाना है और वहाँ से उनसे बात कर लेना कि सर हमने अप्लाई किया है, हमको इतना लोन का ज़रूरत है। वो लोग आपका चेक करेंगे, एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, अगर आप वेरीफाई करेंगे, अगर आप सब कुछ सही आपका रहता है, आप एलिजिबल पाए जाते हैं, आपके अकाउंट में पैसा तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।